हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखेंगे इसमें आपका नेक्स्ट फ्यू आवर्स कैसा रहेगा, आपके पार्टनर के साथ क्या कुछ होने वाला है, आप दोनों के बीच क्या कुछ हो सकता है, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, एक्शंस क्या होगा आपके लिए, आपसे क्या उम्मीद करेंगे अगले कुछ घंटों में। चले जाने की कोशिश करते हैं। रीडिंग आप सभी के लिए है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स अगले कुछ घंटों में, क्या होगी, क्या कुछ फील करेंगे आपके लिए? आपके पार्टनर कंफ्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर कंफ्यूज ज़रूर होंगे अपने डिसीजंस को लेकर, एक्शंस को लेकर, जो कि आपके प्रति है, आपके रिश्ते के प्रति है, कि क्या ये राइट है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बात करना चाहिए आपसे, मिलना चाहिए आपसे, आपकी ओर कोई एक्शन लेना चाहिए, फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, फ्रेंड्स का हेल्प लेना चाहिए, कोई एफर्ट्स करना चाहिए, या करेंटली खुद को स्टॉप करना चाहिए, आपको खुद से होकर ऑफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके पार्टनर मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज दिखाई दे रहे हैं, तो कन्फ्यूज़न होगी इनके माइंड में। ठीक है, मैं कन्फ्यूज़न देख पा रही हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं ये। और क्या कुछ होगी इनकी एनर्जी, क्या कुछ सोचेंगे, क्या कुछ फील करेंगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। अगर आप दोनों ही कन्फ्यूज़ हो, अगर आप दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा है, फाइट चल रहा है, आपके पार्टनर को एक तो आपसे चाहिए कि आप इनको सिर पर बैठा कर रखो, आप भाव दो, ये कितना भी ज़्यादा नखरे दिखा रहे हैं, बिल्कुल आप चीज़ करो इनको। और अगर आपकी साइड से इनको भाव नहीं मिलता है, तो ना मैं एक ईगो वाली एनर्जी देख पा रही हूँ इनके साइड से, कि मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे साइड से स्टॉप है, अगर वो नहीं कर रही है, वो नहीं कर रहा है, तो मुझे भी नहीं करना है। जबकि ऐसा हो सकता है कि ये खुद ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं या खुद कंफ्यूज हैं, बट आपके साइड से वो एनर्जी नहीं चाहिए, आपके साइड से चाहिए कि आप अटेंशन दो, आपसे चाहिए कि आप इनके पीछे पड़ो। फिर भी मुझे भाव खाते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कि ये जगल कर रहे हैं, आपको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं दोनों जगह, कहीं पर एंड कर सकते हैं, मुझे आपसे भाव खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके मन में ये भी चलेगा कि एंड कर देते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, ख़त्म हो गया है। अगर बात बंद है आप दोनों के बीच, दोनों ही तरफ से थर्ड पार्टी है, या प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा है, दोनों ही कंफ्यूज हो, इनको लगेगा कि एंड हो गया है, ये तो करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, मुझे भाव खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्या होगी इनकी फीलिंग्स, यूनिवर्स बताए मुझे। बिल्कुल मुझे रूठे हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साइड से वो कुछ नहीं मिल रहा है जो इनको चाहिए। इनको ऐसा लगेगा अगले कुछ घंटों में कि आप ऑनेस्ट नहीं हो, आप इनके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, जस्टिस वाले एनर्जी में नहीं हो। ठीक है, इनके साथ गलत हो रहा है, इनके साथ धोखा हो रहा है, चीट हो रहे हैं। जबकि ऐसा हो सकता है कि ये खुद आपको धोखा दे रहे हैं, ये खुद आपको चीट कर रहे हैं, ये खुद जस्टिस वाले एनर्जी में नहीं है। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके साथ अनफेयर हो रहा है, राइट नहीं हो रहा है, इनके साथ अन्याय हो रहा है। मुझे डीप थॉट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, पर इनका जो एनर्जी है मुझे रॉन्ग दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि निगेटिव ज़्यादा सोच रहे हैं। और क्या होगी इनकी फीलिंग्स, यूनिवर्स क्लियर कीजिए मुझे। ओके, ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर सीरियस रिलेशनशिप में ना आकर फ्रेंडशिप चाहे आपसे, या मेमोरी बनाना चाहे, आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट चाहे, फ्रेंडशिप चाहे, आपके पार्टनर सेलिब्रेशन चाहे, पार्टीज करना, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, आपको ग्रांटेड ले सकते हैं या ले रहे हैं। आपके साथ इनका जो रिलेशनशिप है सही नहीं चल रहा है, आप दोनों के बीच प्रॉब्लम हो रही है, बट ये कहीं और इन्जॉय कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, ये चीज़ आपको हर्ट करते हुए दिखाई दे रही है।
ठीक है, या आपको ग्रांटेड ले रहे हैं या तो सीरियस नहीं हो रहे हैं आपको लेकर। अगर थर्ड पार्टी में है तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको लेकर कंफ्यूज हैं, आपके बारे में ज़रूर सोचते हैं पर आपको लेकर कंफ्यूज हैं और एंड करने के बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दिए हैं अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी है। यूनिवर्स क्लियर कीजिए मुझे इनके पार्टनर के एक्शन क्या हो सकते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। इंतज़ार दिखाई दे रहा है, ठीक है, इनको इंतज़ार होगा कि आप क्या करते हो, आपके एक्शंस क्या होते हैं दूरियों को ख़त्म करने के लिए, नज़दीक आने के लिए, दूरियों को मिटाने के लिए आप क्या एक्शन लेते हो, क्या आप इनकी ओर कोई एक्शन लोगे। आपके इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप इनको लेकर क्या एक्शंस लेते हो, आप कुछ करते हो, आपको इंतज़ार करते हुए दिखाई दिए हैं। और क्या होगी इनकी एनर्जी बताएं मुझे। ओके, कुछ लोग लिए ऐसा दिखाई दे रहा है ये आपकी ओर बढ़ रहे हैं, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट, अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, अगर आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, आपका इंट्यूशन आपको बता देगी कि ये आपको कांटेक्ट करेंगे कि नहीं, या ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे कि नहीं, ये आपको लेकर ऑनेस्ट हैं कि नहीं आपके साथ, इनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो ग्रो करेगा कि नहीं, आगे बढ़ेगा कि नहीं, आपका जो इंट्यूशन है आपको गाइड करेगा, ठीक है, कि आप दोनों के बीच सिचुएशन बेटर होगी कि नहीं, साथ में आओगे कि नहीं, आगे फ्यूचर है कि नहीं, या क्या है इनकी एनर्जी, ये कैसे हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए ऑनेस्ट हैं कि नहीं, आपको इंतज़ार करना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। तो कुछ लोग लिए ऐसा दिखाई दे रहा है अगर ये ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, आपका इंतज़ार ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, अगर इनमें ऑनेस्टी है आपके लिए, ऑनेस्ट हैं ये पर्सन, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका इंतज़ार ख़त्म कर रहे हैं किसी तरह का, आप इंतज़ार कर रहे हो कम्युनिकेशन का, या कमिटमेंट का, या इनकी तरफ से एक्शंस का, या आप चाहते हो कि ये आपको टेंशन दे, बातें करे, सही से रहे आपके साथ रिलेशनशिप में, आपकी जो भी उम्मीदें हैं इनसे, इनके साथ कनेक्शन से, वो फुलफिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा सीरियसनेस नहीं नज़र आएगी बट रोमांटिक हो रहे हैं, आपकी ओर बढ़ रहे हैं, आपके लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सरप्राइजिंग होगा आपके लिए, आपको शॉक कर देगा, आपके लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं कि लोग देख रहे हैं, आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे कि ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल दीवानगी दिखा रहे हैं, ये वही कर रहे हैं या वही कर रही है जो आपके लव में है, जो आपको चाहते हैं, जो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो किसी भी कीमत पर आपको छोड़ना नहीं चाहते, ब्रेक नहीं चाहते, आपके साथ एंड नहीं चाहते, ठीक है। तो ये व्यक्ति आपके लिए कुछ ऐसा कर रहा है जिससे आप सरप्राइज्ड हो जाओगे, जिससे आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे, आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, आपको लगेगा कि हाँ ये मुझे चाहता है या चाहती है अपने लाइफ में। और क्या कुछ हो सकता है इनके एक्शन आपके लिए, क्या एक्शन ले सकते हैं, बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा कि आपकी कोई विश ड्रीम ये पूरा कर रहे हैं किसी तरह का, जो भी आपकी ड्रीम है, छोटी हो बड़ी हो, आपकी कोई विश, कोई चाहत, डिज़ायर्स फुलफिल कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, बैलेंस बना रहे हैं आप दोनों के बीच, अपने साइड से एफर्ट्स कर रहे हैं, आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बना रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, जो आपके साथ इनका ड्रीम है पूरा कर रहे हैं, कहीं शिफ्ट होना है, मिलना है, मीटिंग करना है, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, फाइट को ख़त्म करना है, नोकझोंक में देख पा रही हूँ कई लोगों के लिए, पर हाँ ऐसा ज़रूर हो रहा है, या तो माफ़ी मांग रहे हैं, इमोशनली बातें कर रहे हैं, इमोशनली जुड़ रहे हैं, मुझे हैप्पी मोमेंट्स दिखाई दिया है, ऐसा कुछ हो रहा है आप दोनों के बीच, क्लोज आ रहे हो तो ये सब देख पा रही हूँ मैं। और क्या कुछ हो सकता है इनके एक्शन। ओके, आप दोनों के बीच ही आपके रिश्ते में मैजिकल मोमेंट्स ला सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे स्टेबिलिटी आए आपके कनेक्शन में, बिल्कुल आपके साथ कनेक्शन को हील कर रहे हैं ये,
आप उम्मीद कर सकते हो इनसे, ठीक है। बातें कर रहे हैं आपके रिश्ते के बारे में, फैमिलीज में, किसी को कंसल्ट कर रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए या आपके साथ कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, टेंशन का माहौल है, किसी और को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ऐसे पर्सन को इन्वॉल्व कर रहे हैं जो कि सही एडवाइस दे सकते हैं, आपकी क्या फीलिंग्स होगी, आप किस एनर्जी में रहोगे अगले कुछ घंटे, आपकी क्या एनर्जी होगी आपकी लाइफ या लव लाइफ को लेकर। आप मुझे कहीं से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपके थॉट्स में मैं चेंजेस देख पा रही हूँ, कुछ बदलाव आ रहा है, मूड स्विंग्स हो रहा है, आपका जो माइंड सेट था वो चेंज हो रहा है, बदल रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप खुद को अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अपने इमोशंस को अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। आप खुद के साथ जस्टिस कर रहे हो, कैरियर पर फोकस कर रहे हो, फैमिली पर फोकस कर रहे हो, हीलिंग पर आपका फोकस है, आप मुझे स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप खुद के साथ जस्टिस कर रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपके लिए राइट नहीं है, आपके साथ कहीं फेयर हो रहा है, आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, आप कहीं से मूव ऑन कर रहे हो गाइस, ठीक है। जहाँ आपको कुछ नहीं मिल रहा है, जितना आप एफर्ट्स कर रहे हो आपके एफर्ट्स के मुताबिक वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है, आप मुझे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप खुद के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हो और ये बहुत अच्छी बात है कि आप खुद के लिए सोच रहे हो, आपकी खुशी किस में है। आप मुझे दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो, किस एनर्जी में होंगे आप। ओके, न्यू स्टार्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, रोमांटिक एनर्जी में आप होंगे, न्यू स्टार्ट करना चाहोगे, किसी को प्रपोज कर रहे हो कुछ लोगों के लिए, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी को ऑफर कर रहे हो। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को प्रपोज कर रहे हो या प्रपोज करना चाहते हो या आप इंटरेस्ट ले रहे हो उनमें जिन्होंने ऑलरेडी आपका हार्ट ब्रेक किया है या आपको हर्ट करा है, आपको रिजेक्ट किया है, या जिनके साइड से आपको कुछ एफर्ट्स दिखाई नहीं देता, ठीक है, आपको कुछ दिखता ही नहीं है कि वो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, आपके लिए कुछ इमोशंस है, आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, आपको अपने लाइफ में चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर इनके साइड से आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है या आपको काफ़ी मिस्टीरियस लग रहे हैं, इनके बारे में आप जान नहीं पा रहे हो कि आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये डाउटफुल एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये आपके लिए मैसेज आ रहा है कि थोड़ा सा रुक जाइए, अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हो या न्यू स्टार्ट करना चाहते हो थोड़ा सा रुक जाइए। अगर आपके पास प्रपोजल भी आ रहा है तो जल्दबाजी में मत रहिएगा, उनको पहले जान लीजिए, उसके बाद कुछ स्टेप उठाइए, ठीक है, उसके बाद कुछ स्टेप लीजिए कि उनको एक्सेप्ट करना है, क्या करना है, उनके बारे में जान जाइए पूरी तरीके से। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिनकी तरफ से आपको प्रपोजल मिल रहा है, कोई आपको प्रपोज कर रहा है, वो बाद में आपका दिल दुखाए या कुछ बातें आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास प्रपोजल आ रहा है या आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो, किसी के साथ न्यू स्टार्ट चाहते हो, किसी से प्यार करते हो, लाइक करते हो, या कोई दिखाएगा कि कोई आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो थोड़ा सा आपको टाइम लेना चाहिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा। क्या कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच, आपके पार्टनर और आपके बीच अगले कुछ घंटों में क्या कुछ हो सकता है। ओके, मैजिकल मोमेंट्स आ सकते हैं आप दोनों के बीच, जो भी प्रॉब्लम है हील हो सकता है, आपके कनेक्शन में हैप्पीनेस देख पा रही हूँ, सेलिब्रेशन देख पा रही हूँ, ये स्टेबिलिटी आ रही है, दोनों काफ़ी खुश हो, हैप्पी हो, कुछ ऐसा हो सकता है जो कि सब कुछ चेंज कर दे, बदल दे, जो बिल्कुल एक मैजिक की तरह हो, एक जादू सा हो। ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये तो नहीं सोचा था, ये तो लगा ही नहीं था कि हो भी सकता है, पर वो हो गया।
आपकी कोई ड्रीम डिज़ायर फुलफिल हो रही है, पूरा हो गई है जो आपने कुछ चाहा था, कभी सोचा था कि ये काश होता हमारे कनेक्शन में, वो हो रहा है, ऐसा कुछ दिखाई दिया है। और क्या कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच, न्यू स्टार्ट हो सकता है, रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकता है, प्रपोजल आपको मिल सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति से, किसी ऐसे पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या जो कंफ्यूज है, जिनको डिसीजन लेना है, एक्शन लेना है, आपकी ओर आना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, एक्शन उनको ही लेना है, तो थोड़ा सा ये व्यक्ति, ये पर्सन आपको वेट करा सकते हैं, ठीक है। ये सोच जरूर रहे आपके बारे में, पर ऐसा हो सकता है कि इनको फाइट करना है, ये इस कनेक्शन के लिए लड़ना होगा, फाइट करना होगा, स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा है, ये लोगों का इंटरफेयर है, लोग अगेंस्ट हैं, तो इनको एक्शन लेना होगा, ठीक है। ये खुद से मुझे लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इनको आपके ओर आना होगा, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, अगर इनके इंतज़ार कर रहे हो, इनके एक्शंस का इंतज़ार कर रहे हो कि ये कब आपके ओर एक्शन ले या बातें क्लियर करे, तो ये मुझे थोड़े से डाउटफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं आपके बारे में, एक्शन लेना चाहते हैं, बट ये अपना टाइम लेंगे, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद चीज़ें क्लियर ज़रूर होगी, ये क्लियर करेंगे। तो ये रही आपकी रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना।